तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको आईएएस पीसीएस बनना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट का यह क्वेश्चन आ रहा था, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है ग्रेजुएशन के बाद, तब आपको ग्रेजुएशन में बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और आईएएस पीसीएस बनना है, तब आप चाहे बीए किए हों या बीएससी किए हों, आप जो है कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी आपको बंधन नहीं है कि सिर्फ आपको बीए करना है या बीएससी करना है या बीटेक करना है। आप जो भी ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहें आप कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मेरा जो सुझाव है वह आपको ग्रेजुएशन में बीए करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके बीए के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, समाज शास्त्र होता है, तो यह सब सब्जेक्ट आपके होते हैं। बीए में हिंदी होता है आपका, तो यह सब सब्जेक्ट जो है वह आपके जो यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो आईएएस पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें भी यही सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप बीएससी करके जाते हैं या बीटेक करके जाते हैं या बीकॉम करके जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपको हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप बीएससी करेंगे तो वहाँ पर आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, या मैथ्स रहेगा, या बायोलॉजी रहेगा, तो यह सब सब्जेक्ट आपके होते हैं। और वहीं पर अगर आप जो है कि बीकॉम वगैरह करते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और यह सभी सब्जेक्ट आपके जो है वह आपके यूपीएससी के पेपर में नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा आता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपका नहीं करेगा। और अगर आप जो है कि बीए करके जाते हैं तो इसमें जो है कि 3 साल तक आप इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, और यही सब सब्जेक्ट जो है कि जब आपके आईएएस पीसीएस वाले पेपर में रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि पीछे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई रहती है। तो इसलिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है कि आप एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरा जो सुझाव रहेगा वह जो है कि आप ग्रेजुएशन में बीए कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपका इंटरेस्ट अगर बीएससी वगैरह में है या बीकॉम वगैरह में है, तो वह सभी सब्जेक्ट आप जो है कि ले लीजिएगा, उससे भी जो है कि आप जो है कि ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए।